नमस्कार, न्यूज आज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि निगम। ग्वालियर, भिंड और मुरैना में एक हफ्ते के अंदर लूट और डकैती की 7 वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हथियारबंद बदमाशों की वजह से लोगों में काफी दहशत फैली हुई थी। ये बदमाश अपने शिकार के साथ जमकर मारपीट करते थे और गाड़ी, नकदी समेत कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे। पकड़ी गई गैंग उदयवीर गुर्जर की है, जिनके पास से पुलिस ने लूटी गई बाइक और राइफल बरामद हुई है। पुलिस को पता चला कि उदयवीर गुर्जर जेल से आने के बाद फिर सक्रिय हो गया है और लोगों को लूटने वाली गैंग की बोलचाल दिखाती है। पुलिस ने घेराबंदी कर उदयवीर गुर्जर को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उसके साथी आकाश और राहुल जाटव भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बदमाशों ने हाल ही में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की तो वो कार छोड़कर फरार हो गए थे। 6 लोगों को डकैती की योजना बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है और इनसे भारी मात्रा में यानी शस्त्र मिले, 3 1 अधिया 2 कट्टे 315 बोर के और 1 256 बोर का राइफल भी मिला। और इनसे जब पूछताछ की गई तो हाल के लगभग एक सप्ताह में लगातार जो लूट के वारदात क्षेत्र में और आसपास के जिलों में हुए हैं, उनके बारे में इनके द्वारा कन्फेस किया गया है कि इनके द्वारा अपराध किया गया था। अभी तक कुल 8 अपराधों का इन्होंने खुलासा किया है। अभी इनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो अभी तक तथ्य निकल के आए हैं, इनके गिरोह में 4-5 लोग और भी हैं जिनको टीम बनाकर पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज आज के साथ।